हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लताज कॉर्नर। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मेकअप ब्रश, जो कि ये देखिए स्विस ब्यूटी ब्रांड से है। आप सबसे पहले इसकी पैकेजिंग देखिए, लग्जूरियस से इसकी पैकेजिंग है। और इसमें हमें 6 ब्रशेस मिल जाते हैं। फोर ब्रश आईज के लिए हैं एंड एक पाउडर ब्रश है और एक फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश है, या काबुकी ब्रश भी बोलते हैं इसको। तो इसी से मैं आपको एक मिनिमल सा मेकअप होने वाला है, जो मैं आपको साथ साथ करके ही दिखाऊंगी। और फ्रेंड्स, मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ या मैंने कहीं से भी कोई कोर्स नहीं किया है। मिनिमल सा मेकअप होने वाला है और मैंने भी यूट्यूब से कुछ जो अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, देख के थोड़ा बहुत सीखा है। तो बहुत ही मिनिमल सा होगा, ज़्यादा तड़क भड़क वाला ना मुझे पसंद है ना मुझे करना आता है। बिगिनर फ्रेंडली है। अगर आप भी बिगिनर हैं तो आप मेरे साथ इसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी ब्रशेस के साथ करूँगी ताकि हमें जेन्युइन रिव्यू मिल पाए। और इसको मैंने बहुत टाइम से अपने कार्ट में ऐड करके रखा हुआ था। तो अभी 15-20 जनवरी अमेज़न पे ग्रेट इंडियन सेल चल रही थी, तो उसमें मैंने इसको परचेज़ किया। वैसे तो इसका प्राइस MRP है, MRP की बात करें तो 1099 इसकी MRP है। और मैंने इसको परचेज़ किया है 549 में। अमेज़न पे प्राइस फ्लक्चुएट होते रहते हैं, काफ़ी टाइम से ये मेरे कार्ट में था तो 700 समथिंग से कम नहीं हो पा रहा था, लेकिन सेल में अभी 549 का हुआ तो मैंने इसे झट से ग्रैब कर लिया। तो बहुत से इन्फ्लुएंसर्स ने इसका ऑलरेडी रिव्यू किया हुआ है, लेकिन मैंने कहा कि चलो इसको एक बार परचेज़ करके भी देखते हैं और ट्राई करके देखते हैं कि ये कैसा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अपने फेस को मैंने क्लीन करके अपने फेस को प्रेप कर लिया है और सबसे पहले हम लगाएंगे प्राइमर। जहाँ पे आपके पोर्स आपको ज़्यादा दिखते हैं वहाँ आपने थोड़ा अच्छे से अप्लाई करना है। हम कोई भी चीज़ अप्लाई करते हैं तो उसको 1-2 मिनट का टाइम देना चाहिए, जिससे कि वो सेट हो जाए, फिर दूसरी चीज़ उसकी नेक्स्ट वाला जो भी चीज़ है वो अप्लाई करेंगे। फाउंडेशन ब्लेंडर ब्रश F06। इसे अपने ईयर में भी लगाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट ब्रश है और बिल्कुल भी इसके जो ब्रिसल्स हैं वो फॉल आउट नहीं हो रहे हैं, चुभे नहीं रहे कहीं भी, बहुत ही सॉफ्ट हैं, जेंटल हैं। मैंने बहुत हल्का सा फाउंडेशन अप्लाई किया है और थोड़ी सी कवरेज फिर भी मिल गई है, क्योंकि ब्रश से कम ही कवरेज आती है, बट इसने प्रोडक्ट उतना पिक नहीं किया है और कवरेज दी है। मैंने
जहाँ जहाँ आपकी ज़्यादा पिगमेंटेशन है वहाँ पे आप इसको। अब ये हमारा कंसीलर ब्रश आ गया है, कंसीलर ब्रश F03 नंबर। आप देख सकते हैं इस साइज में ये ब्लेंड हो गया है। कंसीलर हमारा ब्लेंड हो गया है, ये देखिए। अब हम हल्का सा पाउडर से सेट कर लेते हैं ताकि क्रीज ना आए। ओके, ये इनका पाउडर ब्रश है, कॉम्पैक्ट ब्रश F02। बहुत ही सॉफ्ट है जैसे और ब्रशेस है। मेरी स्किन ऑलरेडी ड्राई है तो मैं बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं यूज़ करूँगी, एकदम नाक के बराबर, जिससे कि क्रीजेस ना आए बस। दैट्स इट। इसके बाद है हमारे पास हाइलाइटिंग एंड लैश ब्रश F07, और ये एक एंगुलर ब्रश है और पीछे इसके एक साइड पे एंगुलर ब्रश है, एक साइड पे स्पूली है। स्पूली से आप अपने आईब्रोज वगैरह सेट कर सकते हैं, और इससे अगर आप लोअर लैश लाइन पे, जैसे आपको आईलाइनर या आई शेडो लगाना है आईलाइनर की तरह, इससे आप लाइनर लगा सकते हैं आई शेडो को एज लाइनर की तरह। आई स्किन एंगुलर ब्रश है तो ऑब्वियसली आईब्रो भी सेट कर सकते हैं। चलिए अभी मैं इससे आईब्रो को थोड़ा सा डिफाइन करने की ट्राई करती हूँ। हल्का सा डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। सी, ये वाली मैंने कंप्लीट कर ली है, ये वाली करती हूँ मैं। लास्ट में मैं अपने हाथों से, फिंगर से कर लेती हूँ, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो हट जाए। बहुत ही मिनिमल सा किया है वो। के बाद से इसी ब्रश से, जो एंगुलर ब्रश है, इसी से हम अपना आईलाइनर लगाएंगे। पहले हल्का सा आई शेडो बेस बना लेते हैं। इसके बाद ये आई शेडो ब्लेंडर ब्रश है F04, और बट जो आई शेडो मैं आई शेडो वाले जो ब्रशेस होते हैं, बेसिकली जो मैंने देखे हैं, वो थोड़े से और फ्लफी होते हैं। ये बहुत ही कम फ्लफी है, तो इसको थोड़ा सा इनको और फ्लफी देना चाहिए, क्योंकि ये ब्लेंडिंग के लिए जो क्रीज लाइन है उसके लिए तो अच्छा है, लेकिन अगर हम कंप्लीट आइस की बात करें तो उसके लिए ये थोड़ा सा मुझे छोटा लग रहा है, थोड़ा सा छोटा है। बाकी करके देखते हैं। तो मैं ब्राउन शेड ही पिक करूँगी क्रीज पे। बट अगर मिनिमल मेकअप करना है तो अच्छे से ये ब्लेंड कर रहा है।
जब तक आपको लगता है कि आपको कलर नहीं मिला है तो आप थोड़ा थोड़ा लेके बिल्ड करिए। एक साथ ही अगर ज़्यादा ले लेंगे तो वो सारा आपका ख़राब होने का रिस्क रहता है। बहुत अच्छे से टाइम देना पड़ता है, बहुत अच्छे से। अगर आपने ब्लेंडिंग सही से नहीं करी है तो वो बिल्कुल भी कलर अच्छा सा नहीं आ पाएगा। इसके बाद हम अगेन अपने एंगुलर ब्रश पे ले लेंगे और इससे मैं हल्का सा आईलाइनर आई शेडो में से ही लूँगी, एज ए आईलाइनर अप्लाई करूँगी। ये ब्लू कलर है। मैंने हल्का सा ब्लू कलर का आईलाइनर आई शेडो से ही बिल्ड कर लिया है। अब मैं ब्लेंडिंग ब्रश ही लूँगी, आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश लेके हल्का सा आईज के लोअर लाइन पे भी अप्लाई करूँगी ताकि वो कंप्लीट सी आई लगे। आपको लगता है कि ज़्यादा मोटा हो गया या ज़्यादा पतला हो गया तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं एक वेट वाइप से। बस आईज में हम और कुछ भी नहीं करेंगे, मुझे इतना मोटा चाहिए था तो मैंने अपने अकॉर्डिंग किया है, आप अपने हिसाब से मोटा या पतला कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं, ये आई शेडो एप्लीकेटर ब्रश है क्योंकि मैंने आई शेडो बहुत ही मिनिमल मेकअप रखा है तो आई शेडो भी जैसे और ब्रशेज हैं वो भी बहुत ही सॉफ्ट है, सेम ही है सारे ब्रश, मतलब इसके भी कोई ब्रिसल्स जो हैं फॉल आउट नहीं हो रहे हैं। दोबारा से पाउडर ब्रश, पाउडर या कॉम्पैक्ट ब्रश लेंगे क्योंकि हमारे पास इसमें कॉन्टोरिंग ब्रश नहीं दिया हुआ है तो हम इसी को अप्लाई करेंगे। इसको ऐसे हल्का सा पतला कर लेंगे। चुपच है, हल्का हल्का सा अपनी हेयर लाइन पे भी कर लेंगे, नहीं तो वो वाइट वाइट सा दिखता है फाउंडेशन, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हम इसी कॉम्पैक्ट ब्रश से ही ब्लश अप्लाई करेंगे। मैंने इसी से ब्लश अप्लाई कर लिया है कॉम्पैक्ट ब्रश की हेल्प से ही। अब हम आ जाते हैं अपने हाइलाइटिंग ब्रश पे। तो इन्होंने ये दिया हुआ है, जो इनका एंगुलर ब्रश है उसी को इन्होंने एज ए हाइलाइटिंग एंड लैब ब्रश लिखा हुआ है, बट इससे हाइलाइटिंग कैसे हो सकता है? हाइलाइटिंग के लिए तो फैन ब्रश होता है या हम अपनी फिंगर से ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे एज कम्पेयर टू ये जो उन्होंने दिया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे हाइलाइटिंग। एक बार ट्राई करके देख, नहीं इससे हाइलाइटिंग, तो हाइलाइटर अप्लाई नहीं हो पाएगा मेरे से, तो फिलहाल नहीं हो पाएगा। तो स्विस ब्यूटी प्लीज़ अपने इस एक हाइलाइटर ब्रश या तो देना चाहिए था या तो आपको इस पे ये मेंशन नहीं करना चाहिए था इन्हें कि ये हाइलाइटिंग ब्रश भी। ब्लेंडिंग ब्रश से एक बार ट्राई करती हूँ हाइलाइटर। अगर से मैंने उसे अप्लाई तो कर लिया बट उससे ब्लेंड
मेरे से तो नहीं हो रहा था, तो मैं अपनी फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी हाइलाइटर को हल्का हल्का। तो ऑफ कैमरा अपना लिपस्टिक और मस्कारा अप्लाई कर लिया था और ऑल ओवर मैं इन ब्रशेस की बात करूँ तो इसमें नो डाउट क्वालिटी वाइज स्विस ब्यूटी एक अफोर्डेबल प्राइस में बहुत अच्छे ब्रश हो या इनका कोई भी प्रोडक्ट हो, नो डाउट बहुत अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। इनका कॉम्पैक्ट ब्रश एकदम बहुत अच्छा है और ये ब्लेंडिंग फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश ये भी बहुत अच्छा है। और अगर मैं इसके मुझे दो ब्रशेस में ये आपका जैसे एंगुलर ब्रश है तो ये हाइलाइटिंग के लिए बिल्कुल भी राइट ब्रश नहीं मानूंगी मैं इसको। और जो ब्लेंडिंग ब्रश है इसको इन्हें थोड़ा सा और फ्लफी कर देना था, बस इन दो ब्रशों में नो डाउट कि क्वालिटी बहुत अच्छी है, ब्रिसल्स कहीं से फॉल आउट नहीं हो रहे हैं और स्विस ब्यूटी ब्रांड अपने आप में ही एक जाना माना ब्रांड है और अफोर्डेबल प्राइस में चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। तो ये जो ब्रश हैं ये स्पूली इन्होंने इधर दिए और इधर जो एंगुलर ब्रश है ये हाइलाइटिंग पर्पज़ से तो काम नहीं आएगा, बट एज ए आई लाइनर और लोअर लाइन के नीचे जैसे काजल स्मच करना हो या लगाना हो तो आराम से इसे हो सकता है, और बट हाइलाइटिंग पर्पज़ से ये बिल्कुल भी नहीं है। और ये वाले ब्रश को थोड़ा सा इनको और फ्लफी कर देना था, बाकी ऑल ओवर ब्रशेस बहुत ही अच्छे हैं, सॉफ्ट हैं, बिल्कुल भी स्किन पे हार्श नहीं हैं। तो मेरी तरफ से ये मुझे बहुत पसंद आया और रिकमेंडेड है। अगर आप बिगिनर्स हैं और कोई अच्छे ब्रशेस सर्च कर रहे हैं तो आप इसे बाय कर सकते हैं। इनकी पैकेजिंग जो है ये देखिए अंदर ग्लिटर सा दिया है, अगर एज ए गिफ्ट सेट भी आपने किसी को देना है तो बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है इनकी। और ये मेरा मेकअप आप देख सकते हैं। सो यही था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो और पसंद आई हो, मेकअप लुक में कुछ पसंद आया हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।